Hello, this is Faiz and you're watching the Drone Expert YouTube channel. This is our fifth video in Drone LiDAR Training Series. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं LiDAR Workflow की, यानी एक LiDAR प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस किस स्टेजेस से होकर गुजरता है और उन स्टेजेस में क्या क्या होता है, ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाए और अपने क्लाइंट्स को बेटर आउटपुट दे पाए। LiDAR प्रोजेक्ट की शुरुआत क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से होती है। जब क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट बताता है, उसके साथ AOI यानी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां पे सर्वे करना है वहां का KML या फिर शेप फाइल प्रोवाइड करता है, जिससे हम एरिया साइज का कैलकुलेशन करते हैं, GCP प्लानिंग करते हैं और फ्लाइट प्लानिंग बनाते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहां पे हम देख सकते हैं कि क्लाइंट की क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये है, द LiDAR सर्वे विल यील्ड वेरियस वैल्यूएबल डिलीवरेबल्स, यानी कि ये चीज इनको LiDAR सर्वे से चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन 3D पॉइंट क्लाउड। तो सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 3D पॉइंट क्लाउड डेटा। इसके बाद है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिसे हम DEM कहते हैं। उसके बाद है डिजिटल टेरेन मॉडल। इसके बाद है डिजिटल सर्फेस मॉडल, ये चाहिए उनको। और एक रेलवे ट्रैक का सर्वे हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक। इसके बाद है एक्सट्रैक्टेड क्रॉस सेक्शन अ डिफाइंड इंटरवल फॉर ट्रैक ज्योमेट्री एवेल्युएशन, ये भी हम सीखेंगे आगे। इसके बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन चाहिए इनको DTM के थ्रू से। इसके बाद फिर है वॉल्यूम कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल मटेरियल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा वो इनको बताना है। इसके बाद है फाइनल रिपोर्ट विद इनसाइट, जो कि फाइनल रिपोर्टिंग में आती है। इसके बाद है ट्रैक सेंट्रल लाइन प्रोफाइल, जो कि हम अगेन AutoCAD वगैरह में सीखेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन, जो कि इनको इंस्पेक्शन करना है, यानी कि पॉइंट क्लाउड डेटा कैन बी यूज्ड टू जनरेट 3D मॉडल ऑफ ब्रिज टनल्स एंड अदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि ये सारा चीज कैसे किया जाता है। तो जो LiDAR की जो आउटपुट्स हैं मेनली यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग के, पहले प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि CAD में कैसे ये सारा चीज दिया जाता है। तो ये हम सारा इस वीडियो सीरीज में सीखने वाले हैं। तो ये था क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इसके बाद इसी KML फाइल को यूज करके GCP यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट और CP यानी चेक पॉइंट की प्लानिंग की जाती है। GCP और CP में क्या डिफरेंस है, इसका ऑलरेडी हमने फोटोग्रामेट्री वाले सीरीज में कवर किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लाइंट ने हमें KML फॉर्मेट दिया है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आइए इसे ओपन करते हैं। ये देखिए LiDAR एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसे हमने यहाँ ओपन कर लिया है और देख सकते हैं इसका कलर जो ब्लैक लाइन में है। तो इसके सबसे पहले इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, जाने के बाद स्टाइल एंड कलर पे जाएंगे, लाइन को चेंज करके हम येलो कलर में कर देंगे और इसका विड्थ हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो है ये है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो गूगल अर्थ की जो कंप्लीट सीरीज है, कैसे से ऑपरेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ जो है हमारा वेबसाइट droneschool.in पे अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए इसे साइज चेक करते हैं। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका देख सकते हैं इनक्लोज्ड एरिया की जो साइज़ है 64 एकर्स का है ये। तो यहाँ पे हमें LiDAR सर्वे करना है। तो आइए अब जानते हैं कि GCP प्लानिंग कैसे की जाती है। GCP यानी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स और CP यानी चेक पॉइंट्स। GCP प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का साइज कितना है। कोई भी प्रोजेक्ट में मिनिमम 3 GCPs होने चाहिए, तो मिनिमम हम 3 GCPs यूज़ करेंगे और 3 हम चेक पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। जब ये प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये सेम KML फाइल हम अपने DGPS टीम को देंगे, जो ग्राउंड पे जाके वहाँ पे GCP मार्किंग करेगी, उसके साथ साथ चेक पॉइंट भी मार्क करेगी। चेक पॉइंट का काम ये होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का एक्यूरेसी को चेक करना। सेम चीज़ हम GCP पे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ GCPs कम हो जाता है जब हम RTK या PPK ड्रोन यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। तो आइए GCP प्लानिंग कैसे की जाती है ये प्लान करते हैं। मिनिमम हम 3 GCPs यहाँ पे प्लेस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, और हमेशा ये इस तरह से यूज़ किया जाता है जहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक जगह पर नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, और एक स्ट्रेट लाइन पर ये GCPs नहीं होने चाहिए। तो इसको हम रीनेम करते हैं GCP1, इसका प्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट GCP लगाएं, इसे कभी भी आप स्ट्रेट लाइन पे मत लगाइए, इसे हमें हमेशा zigzag पैटर्न में लगाना चाहिए।
तो इसके बाद हमारा GCP2 जो कि हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसके साथ हम लगाएंगे GCP3, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे एरिया में GCP प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ कुछ हम चेक पॉइंट्स यूज़ करेंगे जो कि हम प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी क्वालिटी चेक के टाइम पे हमें ये यूज़ करना है। चेक पॉइंट सपोज मैंने एक यहाँ रोड के ऊपर लगाया, दूसरा CP ये रोड के ऊपर लगाया। दो चेक पॉइंट्स एनफ हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो दो चेक पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। तो अब ये फाइल को हम सेव करेंगे और सेव प्लेस एज जहाँ पे हमें सेव करना है यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसे। सेव करने के बाद इसे KML पे ले आइए और GCP/CP नाम दे दीजिए उसे, सेव GCP_CP सेव। तो इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे और ये जो हमने फाइल सेव किया है इस फाइल को हम DGPS टीम को देंगे मार्किंग के लिए।